आज हम बात करेंगे बेटा टेम्परेचर का, जो कल रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी के ऊपर डिपेंडेंसी की हम बात कर रहे थे। कल हमने बात की थी मेटल्स में, और मेटल्स में हमने क्या देखा था कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो जो रिलेशन आप लोगों ने देखा था कि आर टी जो है आपका वो हो जाता है आर नोट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। क्लियर बात? तो जो रिलेशन हमारा बनता है इससे हमने पता लगाया था कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं इन केस ऑफ मेटल्स इन कंडक्टर्स, तो हमने देखा था कि रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो किसकी वजह से बढ़ता है? वो बढ़ता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं आपके उनके मोशन की वजह से। ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीज होती है। क्लियर बात? तो आज हम इसी अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं कि अगर सेमीकंडक्टर में ये चीज देखी जाए या फिर इंसुलेटर्स में ये चीज देखी जाए तो रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। क्लियर बेटा बात? तो उसके लिए अगर मैं आपको बताऊं, सबसे पहले हमें समझना होगा कि कंडक्टर्स में और सेमीकंडक्टर्स में या फिर इंसुलेटर्स में क्या अंतर होता है। तो सीधी सी बात है, हम लोग जानते हैं कि इनमें जो अंतर होता है वो किस चीज का होता है बेटा? आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर बात? यानी कि मोबाइल चार्ज कैरियर्स का इनमें अंतर होता है। ठीक है, उनमें मोबाइल चार्ज कैरियर बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं, इनमें मोबाइल जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो बहुत कम मात्रा में एक्टिव होते हैं। क्लियर बात? यानी कि जो डेंसिटी अगर हम देखें इलेक्ट्रॉन्स की तो वो बहुत ही कम होती है इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर, और इनसे भी कम होती है इंसुलेटर्स में। क्लियर बात? तो फिलहाल अगर हम इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा? जाहिर सी बात है, इनके अंदर जो एक्टिव इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी जो नंबरिंग है बेटा वो थोड़ी इंक्रीज हो जाएगी। यानी कि इसी कंडक्टर में सेमीकंडक्टर में अगर हम देखें तो ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी है वो थोड़ी सी क्या हो जाएगी बेटा आपकी, वो इंक्रीज हो जाएगी। यानी कि कुछ और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर आ जाएंगे। क्लियर बात? तो अगर कुछ और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इनके अंदर आते हैं, बात समझे, पहली स्थिति ये जब कोई टेम्परेचर नहीं दिया गया, दूसरी स्थिति ये, ठीक है, जब टेम्परेचर इसको हमने प्रोवाइड किया। तो जैसे ही हमने इसको टेम्परेचर प्रोवाइड किया यानी कि कुछ टेम्परेचर इंक्रीज किया, यानी कि ये अगर हम देखें तो ये मैंने मान लिया कि टी नोट पे काम हो रहा है, और ये एक तरीके से मैंने इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया यानी कि टी नोट से ग्रेटर इसको मैंने कर दिया, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके इंक्रीज हो जाएंगे। क्लियर बात? इंक्रीज होते ही आप जानते हैं कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते हैं तो उससे जो करंट होता है वो आपका बढ़ता है। तो इसी बात से हमें पता लग जाता है कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके इंक्रीज होंगे तो उनका जाहिर सी बात है मोशन भी बढ़ेगा, और अगर मोशन बढ़ेगा तो उससे करंट का जो वैल्यू है वो क्या होगा बेटा आपका, इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि जो रेजिस्टेंस है इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर वो क्या होगा बेटा, वो डिक्रीज होगा। बात क्लियर है? तभी तो ऐसा पॉसिबल है कि करंट बढ़ जाए। कब? जब रेजिस्टेंस आपका क्या हो जाए बेटा, डिक्रीज हो जाए। बात क्लियर है? अब आपके दिमाग में एक बात आई होगी कि सर अगर इलेक्ट्रॉन की नंबरिंग बढ़ती है तो इलेक्ट्रॉन की नंबरिंग बढ़ने से जो कोलिजन है वो भी तो ज्यादा होगा। बिल्कुल जाहिर सी बात है, बिल्कुल ज्यादा होगा। यानी कि यहां पे अगर आप कोलिजन की बात करें तो बहुत कम, ठीक है। यहां पे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो मोशन करेंगे, और मोशन करेंगे तो क्या चीज बढ़ेगी बेटा, कोलिजन। और कोलिजन अगर बढ़ेगा तो कल हमने पढ़ा था कि कोलिजन बढ़ने से जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज होता है, और आज मैं कह रहा हूं कि वो डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर बेटा? यहां पे मैं आपको अब समझाता हूं इस चीज को कि कोलिजन तो बढ़ेगा लेकिन इतना ज्यादा कोलिजन नहीं बढ़ता जितना कंडक्टर के केस में बढ़ता है। ये चीज आप लोग ध्यान रखें बेटा, बात समझ में आई होगी मेरे ख्याल में, कि इतना ज्यादा कोलिजन इसमें नहीं बढ़ता है। कोलिजन तो इंक्रीज होगा, बिल्कुल सीधी सी बात है, लेकिन इतना ज्यादा कोलिजन नहीं बढ़ता कि जितना ज्यादा किसमें होता है बेटा आपका, कंडक्टर्स में होता है। क्योंकि कंडक्टर्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो एक तरीके से संख्या होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है, ठीक है। यहां पे ये भले ही ज्यादा हो जाए लेकिन इतना ज्यादा नहीं हो पाएंगे कि जितने कंडक्टर में होते हैं। क्लियर बेटा बात? तो इसी वजह से कोलिजन बहुत ही कम इंक्रीज होता है। क्लियर बात? यानी कि नंबर ऑफ टाइम्स अगर आप देखें तो इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर बहुत ही कम कोलिजन इंक्रीज होता है, और अगर बहुत ही कम कोलिजन इंक्रीज होगा तो क्या होगा बेटा आपका, जो करंट है वो इंक्रीज होगा। करंट इंक्रीज तभी होता है जब रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा आपका, डिक्रीज होता है। क्लियर बेटा बात? तो इस चीज को भी आप अब ध्यान कर लें कि सेमीकंडक्टर के केस में अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों ही क्या होती है बेटा आपकी, डिक्रीज होती है। क्लियर बेटा बात? अगर इस चीज को ग्राफिकली मैं आपको समझाऊं तो जो ग्राफ बनेगा आपका टेम्परेचर वर्सेज रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस, तो ये एक तरीके से इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी कंडीशन मीन्स ये ग्राफ आपका बनता है। इस चीज को आप ध्यान रखिए बेटा, ठीक है। अगर यही चीज हम इंसुलेटर्स में देखें
तो इंसुलेटर्स में क्या होगा बेटा आपका, और ज्यादा अगर टेम्परेचर हम बढ़ाएं, ठीक है, क्योंकि इतने टेम्परेचर पे तो काम करेगा नहीं, अगर और ज्यादा हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो और ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाने से फिर से और ज्यादा क्या होंगे बेटा आपके इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे, यानी कि इसमें भी इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी की ही कंडीशन होती है कि रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी जो है बेटा वो डिक्रीज करते हैं दोनों ही केस में, इन सेमीकंडक्टर और इन इंसुलेटर्स। क्लियर बेटा बात। अब हम बात करते हैं यहीं पे सेमीकंडक्टर अलॉय के बारे में। क्लियर बेटा बात। तो बात अगर अलॉयज की जाए, बात समझे, अगर अलॉयज की हम बात करते हैं तो सभी जानते हैं कि अलॉय क्या होते हैं। क्लियर है। तो अलॉयज में अगर हम देखें, अलॉयज में अगर हम बात करें तो अलॉयज हम जानते हैं क्या होता है बेटा आपका, कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल्स। क्लियर बेटा बात। इसको हम क्या बोलते हैं आपका, अलॉयज बोलते हैं। जैसे नाइक्रोम होता है, यानी कि कई सारे कॉपर एल्यूमिनियम वगैरह सब मिलके आपका एक अलॉय बनाते हैं, ठीक है। अब अलॉय में अगर हम टेम्परेचर डिपेंडेंसी की बात करते हैं, रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी के बारे में, तो आप ध्यान रखिए बेटा रेजिस्टिविटी जो है आपकी, क्लियर बेटा बात, रेजिस्टिविटी के ऊपर अलॉय के केस में कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझ में आती है मैंने क्या बोला, कि अगर अलॉय आपने बनाए हैं, जैसे मैग्नीन अलॉय होता है जिसको हम आगे यूज करेंगे, कॉन्स्टेंटन अलॉय होता है जिसको, तो इनके ऊपर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। बात समझ में आती है, इस बात को आप डायरेक्ट ध्यान रखें कि टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा अलॉय के ऊपर। क्लियर बात। अब बात आई फिर से वही कि ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है बेटा क्योंकि ये कई सारे मेटल से मिलकर बनता है। बात समझे। तो कई सारे मेटल जब मिलकर बनाते हैं हम अलॉय को, तो अगर मान लिया इलेक्ट्रॉन, सपोज कीजिए कई सारे मेटल्स का कॉम्बिनेशन है, ये मैंने बनाया जो ये अलॉय है, मान लिया नाइक्रोम का ही तार है, तो इस अलॉय में जो इलेक्ट्रॉन्स है उस तरीके से आपके इंक्रीज करेंगे। बात समझे। तो जैसे ही आप लोग इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आपको पता है कि जो आपकी एनर्जी है वो इंक्रीज होगी, और एनर्जी इंक्रीज होने से इनका जो मोशन है वो बढ़ेगा। क्लियर बेटा बात। मोशन बढ़ने से फिर से वही बात दिमाग में आती है कि कोलिजन इंक्रीज होगा। क्लियर बेटा बात। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर मान लिया आप लोगों ने कॉपर एल्यूमिनियम कई सारे मेटल्स को एक जगह मिक्स करके अगर कोई अलॉय बनाया है, तो उसमें क्या होता है कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन आपका मूव करना शुरू करेगा, ठीक है, और बाय चांस अगर, क्योंकि मिक्सचर होता है, अगर कॉपर एक तरीके से सपोज कर रहा है तो उसको रास्ता देने वाला कौन हो जाएगा बेटा आपका, एल्यूमिनियम, क्योंकि एल्यूमिनियम में कॉपर के अकॉर्डिंग जो आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कम होते हैं। क्लियर बेटा बात। उससे भी ज्यादा अगर आप देखें तो फिर क्या होगा, कोई और मेटल से एक तरीके से उनको रास्ता दे देगी, यानी कि इनको चलने के लिए कई मेटल से गुजरना होता है, ठीक है, जिससे इनको आसानी से क्या मिल जाता है बेटा आपका, पाथ मिल जाता है। और अगर इनको आसानी से पाथ मिल जाएगा तो आप जानते हैं कि रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा बेटा आपका, डिक्रीज। रेजिस्टेंस डिक्रीज होने का मतलब क्या हुआ,